वॉलेट चेकिंग को अभी तक हमने टोकन को देखा था, यहाँ पर सर 12.95 है और यहाँ पर सर 14 पॉइंट, ये सर हमारा परलाइन की डीपी थी उससे सिस्टम ने स्टेट कराया, वही हमारा कितना हमें रिलीज हुआ है। अब सर हम यहाँ देखेंगे कि हम रिडूम का एक ऑप्शन था, इसमें क्या है सर टू पीवीसी सिस्टम, अब यहाँ से सिर्फ विड्रॉल सिर्फ हमको कर दिया है, लेकिन यहाँ ये सिस्टम स्टेक करा रहा है, तो यहाँ स्टेक करा रहा है 5000 पीवीसी मीटर से लेकर 500 पीवीसी मीटर, यानी कि जो हमारा परलवाइन की टीम थी उससे जो हमने स्टेक किया था उसका जो हमें रिलीज हुआ उसका हमें विड्रॉल नहीं मिल रहा है, उसको हमको फिर से दोबारा स्टेक करना है। जहां तक मेरा मतलब देखना और समझना इसके बारे में है, अगर किसी सर के बारे में अगर डाउट होगा तो एक कह सकते हैं, बोल सकते हैं तो सर नहीं ये गलत है या सही है, वहां तक मेरा अंदाजा है, इसका यही मतलब है। ओके सर, अब हम सब चलेंगे सर, यहाँ पर खत्म है सब कुछ, अब चलेंगे सर हम रिस्पॉन्स क्लिक कर देंगे क्योंकि हम टोकन फार्मिंग के पेज पर हम चले जाएंगे, इसको हम सर क्लिक करते हैं। तो सर ये ऐसा बना हुआ आता है, ये जो आता है सब दिखता है सर, ये सब ट्रस्ट पायलट की तरफ से आता है कि ये वेबसाइट मतलब बहुत ही डेंजर है, ये हमें क्योंकि ट्रस्ट पायलट हमारा स्कैन करके हमें बताकर आगाह करता है, तो इससे हमें डरना नहीं है, हमें सीधा सीधा यहाँ पर जो सबसे नीचे का ऑप्शन है प्रोसीड अवे इसको क्लिक कर देना है और हमें आगे बढ़ जाना है। मैं अपने तरीके से आप लोगों को सर मैं सब बता रहा हूँ, इसके लिए मैं आप लोग से क्षमा मांगूंगा क्योंकि मैं बिल्कुल देहाती की तरह बता रहा हूँ मैं। चलिए सर, सर हमने यहाँ पर और हम अब चलते हैं यूजर वॉलेट को हम क्लिक करते हैं जो इसके बगल में है, इसको हमने क्लिक किया तो यहाँ पर किन्नी सर को ये नहीं समझ में आएगा, लेकिन मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि ये जो दिखाता है ये हमारी सर परलवाइन की डीपी है जो कि हमने परलवाइन में ज्वाइनिंग करके और 50 PhD से पीवीसी मेटा इस वेबसाइट पर खरीद के और इस आईडी के द्वारा वहां से डालकर और हम इस वेबसाइट पर ये हम परलवाइन का जो डीपी हम लोगों ने यहाँ पर कलेक्ट किया जो कि हमारा डीपी यहाँ कर ये स्टेकिंग में लग गया और इसका पर डे जो आपका है ये रिलीज होता है, ये पर डे हमारी रिलीज होती है डीपी। और जो दूसरा आपको दिख रहा है ये ऑप्शन ये अभी हमारी रिलीज होती है 0.41 ये पर डे रिलीज होती है, लेकिन एक उसके ऊपर आपको दिख रहा होगा 0.1950 ये सर हमारा फार्मिंग में जो जहां हमें 100 का 200 मिलता है इसकी कटघरिया बनी हुई है वहां से हमारा 15% डिटेक्ट होकर यहाँ आकर इसमें ऐड होता रहता है और ये हमारा बढ़ जाता है इसमें जुड़ता रहता है जो कि हम फिर एक न्यू फार्मिंग हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। अभी फिलहाल सिस्टम ने शुरू में मई में इसमें स्टार्ट किया तो 200% दे रहा था, लेकिन बीच में सिस्टम ने अपडेट कर दिया अपने वेबसाइट को तो ओनली 100% ही दे रहा है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 100% में 15% कटकर यहाँ आ जाएगा, ये आप लोग को जानकारी होना चाहिए। वहां पर ओनली 85% ही हमारा जो कि 100 का वहां मिलेगा, इसको हम एक बार क्लिक करके देख लेते हैं तो एक कॉलम खुल गया है और ये बोलता है कि जब आपका मैक्सिमम 100 के बराबर हो जाएगा तो आप यहाँ पर अपनी आर्मी को हमारे पर 47 USDT है जो 2550 PvC meta के बराबर है जो कि रेट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ तक ले आप लोग समझ लीजिए कि यहाँ से भी हम एक फार्मिंग को परलवाइन की डीपी है जो उसकी हम फार्मिंग यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ मैच करते हैं तो ये हमारा 42 लिख गया, लेकिन यहाँ मेरा 100 रहता तो हमारा हो जाता। और सिस्टम यहाँ पर ये भी ध्यान करेंगे कि 5%
के चार्ज काट लेता है, यानी कि हमारा 105 अगर हो जाएगा रिलीज तो हम 100 के यहाँ से बार्गेनिंग लगा देंगे और हमारा 5 जो डॉलर है फीस के रूप में सिस्टम को चला जाएगा और हमारी फार्मिंग जो है कि जाकर लग जाएगी। अब हम अपनी फार्मिंग स्टेटस को हम इसको ऊपर कर दिए हैं और यहां से हम देखेंगे अपने फार्मिंग स्टेटस को, और एक है हमारा रिवार्ड स्टेटस। तो हम चलते हैं, सबसे पहले आप लोग को फार्मिंग स्टेटस दिखाते हैं। अब सर यहाँ बड़े ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैं आप लोग को दिखा देना चाहता हूँ। सर ये जो हमारा और ये हमारा ये टोकन फार्मिंग है, जो कि हमने टोकन यानी बीबीसी मेटा, कोई क्वाइन नहीं है, ओनली टोकन यानी एक टोकन है, ये दूसरे की ब्लॉकचेन पर रन कर रहा है, इसकी अपनी खुद की ब्लॉकचेन नहीं है और ये अभी फिलहाल में टोकन है। तो हम ये टोकन जो हम लोगों ने स्टेकिंग किया था बीएसडी से उस समय में, तो उससे जो हमको रिलीज हुआ, थोड़ा सा यहाँ डेट भी देखिएगा सर, ये 2022 सर, और ये शुरू का हम आपको फर्स्ट दिखा रहे हैं, ये देखिएगा डेट 6 अक्टूबर 2022। ये सर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या ये परलवाइन पीवीसी मेटा का है, नहीं सर, शुरू में सिस्टम ने परलवाइन की डीपी से फार्मिंग स्टार्ट करने के लिए सिस्टम ने कहा था, 2 महीने चला और ये दोनों जो 100 आप देख रहे हैं है? ये परलवाइन, ठीक है सर, और जो आप अब जो ये नीचे देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये सर टोकन है हमारा। उस समय टोकन प्राइस बढ़ने की वजह से जितना टोकन हम डालते थे उसके अकॉर्डिंग वो क्या नाम है उसका, मतलब वैल्यू जो मिलती थी तो इतनी इतनी वैल्यू मिली है। और ये दो जो देख रहे हैं आप लोग, ये परलवाइन का डीपी है, आप लोग इस चीज को ध्यान से समझिएगा। और आपको जो 3 नीचे दिख रहा है ये हमारा टोकन का फार्मिंग है। अब सिस्टम ने हमें यहाँ रिवार्ड क्या दिया, अब जरा हम इसको छोटा करके देख लेते हैं। तो सिस्टम ने कहा कि हम 100 का आपको 200 करेंगे, और एक सिस्टम ने चार्ट बना रखा है जहाँ हम 450% तक ले फार्मिंग कर रहे थे, तो स्टेकिंग का तमाम हो गई है और वहीं से हमें थोड़ा थोड़ा फोन आ जाता है ना बीच में, इसको हमने क्लिक किया वॉलेट फार्मिंग फोन और इसको हमने क्लिक किया था एक्टिवेट को। तो सर हमारी अभी फिलहाल लगी पड़ी है, ये 2024 की फार्मिंग है, 9 जून 2024 को 100 की फार्मिंग है, लेकिन सर यहाँ पर सिर्फ ओनली 100% मिलता है, यानी जो ये फार्मिंग है कौन सी, जो हमारी परलवाइन की डिब्बी है, जो कि वॉलेट पोर्ट पर हम जाते हैं वहां पर 2 ऑप्शन है, जो सेकंड ऑप्शन आता है फार्मिंग करने का जहां आपने डीपी देखा उसकी फार्मिंग है, यहां हमें सिर्फ 100 का 100 ही मिलेगा। और मैंने आपको शुरू में कहा कि सर 5% तो 105 का 5% तो ऐसे कट जाएगा, प्लस ये जाकर हमारा 100 का 100 ही मिलेगा, 200% नहीं मिलेगा, और 15% वहां हमारा फिर डिटेक्ट हो जाता है, यानी कट कर फिर हमारा वहां पर एड होता है। मैंने अभी आप लोगों को वहां दिखाया जहां पर मेरे पास 0.41 पर डे की रिलीज हो रही थी और 0.1950 में हमारा कलेक्ट हो रहा था वहां पर, ठीक है सर। अब हम चलते हैं, अभी हमारी 8 यहाँ पर रिलीज हो चुकी है, इसको हम क्लिक करके यहाँ पर हम टोकन फार्मिंग रिवार्ड और वॉलेट को रिवार्ड, यानी जो हमारा पीवीसी टोकन है उसकी फार्मिंग का रिवार्ड और वॉलेट यानी जो परलवाइन की डीपी है उसका, दोनों हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि हमें ये दिखा रहा है। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और ये बड़े आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर यहाँ है, तो ये सर 470 जो है हमारा पीवीसी मेटा यानी टोकन से की गई फार्मिंग है, और जो 100 सेकंड दिखा रहा है 100 सर ये परलवाइन की पीपी का 100 वो है, ये दोनों हमें यहाँ दिखा रहा है। अब चलते हैं सर, हम इसको हम क्लिक करके देखते हैं रिवार्ड रिंग को, तो हमने इसको क्लिक कर दिया, हम आगे बढ़ गए, ये पेज खुल रहा है। अब ये जो आप लोग देख रहे हैं सर, ये रिवार्ड वैल्यू और ये 27 USDT, ये क्या चीज है और कहा जाता है सर, जो हम लोग
टोकन से फार्मिंग किए हैं वो, और प्लस परवाइल की जो डीपी है वो, प्लस दोनों को मिलकर यहाँ पर डे जो आपका रिडीम का एक कॉलम जैसा खुला है, इसको यहाँ पर हम जब हम कोने पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से सब कुछ देखने को मिल जाएगा। हम इसने हमने इसको क्लिक किया तो सर हमें यहाँ तीन चीज देखने को मिल रहा है। पहला तो हम यहाँ से टोकन फार्मिंग कर रहे हैं, पीसी मेटा टोकन जो कि हम यहाँ से विड्रॉल भी कर सकते हैं, और जो तीसरा सर है व्यू ट्रांजेक्शन, जिसमें हम अपने जितना भी हमको रिवार्ड मिल रहा है यहाँ से कलेक्ट हो रहा है, हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी कुछ है सिस्टम का जिस तरह से जो भी दे रहा है, हम यहाँ अपने हर ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं। तो हम सबसे पहले ट्रांजेक्शन को हम क्लिक करते हैं तो सिस्टम बोलता है कि सबमिट करिएगा, तो फिर हम इसे सबमिट कर देते हैं। यहाँ पर हम डेली अपना देख सकते हैं, और हम सबसे चलते हैं नीचे। अब तक ले हम ये देखेंगे कि ये 6 अगस्त 2024 का डेट है नीचे, और हमारा डेली क्रेडिट होता है 1.30 रिवार्ड के रूप में, और अब तक टोटल हमारा 466 मिल चुका है, 766 मिल चुका है, और अब तक ले हमने डेबिट, यहाँ सिस्टम बोलता है टोटल डेबिट। डेबिट का मतलब क्या है? डेबिट का मतलब है कि हमने इसको यूज कर लिया, निकाल लिया, इसका मतलब यही है, जो कि हमारा 738 हो गया है, यानी कि अभी 766 में से 738 हमारा डेबिट यानी निकल चुका है टोटल। अब हमारे पास ऊपर चलते हैं और देखते हैं तो हमारा यहाँ पड़ा है, और आप सभी को यहाँ से ये जानकारी होनी चाहिए कि यहाँ पर 15% जो कि मैंने शुरू में आपको बताया डिटेक यानी कट कर फिर हमारा वॉलेट बोर्ड के वॉलेट फार्मिंग में जाकर ऐड हो जाता है, जहां हमारा परलाइन का डीपी पड़ा हुआ है, यानी टोकन वॉलेट का भी फार्मिंग का उसमें से भी, और प्लस आपका परलाइन की डीपी का भी, दोनों जाकर वहां पर दोनों मिलाकर जो मिलता है रिवार्ड, और यहां से 15% कटकर वहां पर जाकर जुड़ जाता है। फिर हमने एरो को दबाया इसको, और हम अपने तीसरे दूसरे ऑप्शन पर टू गेट पीवीसी मेटा टोकन, यानी कि इसको हम क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। हमने इसको क्लिक किया, फिर हमने सिस्टम बोला सबमिट करने के लिए, तो हमने इसे फिर सबमिट कर दिया। अभी फिलहाल समथिंग वांट वारंट प्लीज, वारंट प्लीज ट्राई अगेन, ये सुबह सुबह क्या ये कल रात से ही मतलब ये आना चालू हो गया है, तो मैंने अभी कहा सर ने कहा कि कुछ पीवीसी मेटा से अपडेट बताइएगा, तो अपडेट यही है कि अभी तो अभी आप लोग के सामने मैंने इसको खोल के दिखाया, और अभी ये दे रहा है, और किन्हीं सर का क्या दे रहा होगा तो सर लोग देख सकते हैं, यानी कि जो ट्रांसफर 10 पीवीसी मेटा 10 यूटीटी का जो डेली बाय डेली हो रहा था, यानी होने के आने के 48 घंटे के बाद हो रहा था, यानी आज हमने ट्रांसफर किया सुबह 5:30 बजे, वो 2-4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे यानी जब भी आया उसके 48 घंटे के बाद यहाँ एक बॉक्स खुलता था इसको करने पर हमें, और हम वहां से विड्रॉल कर सकते थे। अभी जो विड्रॉल है यहाँ लिख रहा है तो विड्रॉल हो बंद कर दिया है सिस्टम ने, और सर लोग अपना चेक करते रहेंगे और देखते रहेंगे, किन्हीं सर को खुला होगा तो वो भी बता सकते हैं कि नहीं सर आप में ऐसा दिखा रहा है, हमारे में लिख कर आता है नीचे कि आपने मतलब आज पूरा कंप्लीट हो गया है, अब अगले टुमारो मतलब अगले दिन आपको उसको विड्रॉल करेंगे।